तो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का नियान की नोक जो बड़ी छोटी सी दुनिया में। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को मैंने कहा था कि मम्मी की बर्थडे आने वाली, तो गाइस यस, मम्मी की बर्थडे है आज। और मैंने और निदा ने सोचे कि मम्मी को क्यों ना कुछ अच्छा सा गिफ्ट दे। मम्मी बहुत साल से एक ही फोन यूज कर रहे, जो कि दानिश और नौशीन ने गिफ्ट किए थे मम्मी को, 12 प्रो। मम्मी पे कल तो प्रैंक किया मैंने, एक मम्मी का फोन तोड़ दिया करके मम्मी की बर्थडे। मम्मी को गाइस देखो, कुछ सरप्राइज देने के पहले कुछ झटका देना जरूरी। क्या बोला दानिश? एक झटका नहीं मिलेगा ना इंसान को, तो इंसान को सरप्राइज की वैल्यू नहीं रहेगी, मेरे को ऐसा लगता है। गाइस मेरे को बहुत पड़ी है वैसे तो, मैं क्या बोलूं आप लोगों को, पीठ में डूब रही है मेरी, इतना मारे मेरे को। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बट आज हम लोग जाएंगे सरप्राइज लेने के लिए। मैंने नौशीन को बोला था, नौशीन तू एक काम कर, तू मम्मी को बोल के, नौशीन तू 15+ ले रही, ठीक है, तो मम्मी मैं कौन सा कलर लू? तो मम्मी ने उसको बोले पिंक ले। तो उससे मेरे को आइडिया आ गया मम्मी को पिंक कलर अच्छा लगता है। तो सोचा कि क्यों ना चलो जाके पिंक कलर का ऑर्डर करते। मम्मी का फोन मैंने ले लिया, मम्मी को मैंने बोला मम्मी तुम्हारा फोन मेरे को दे दो, आज नहीं तोड़ूंगा, आज मैं जा रहा हूँ इसको सही में कवर लगाने के लिए, स्क्रीन गार्ड लगाने के लिए। मैं और दानिश जा रहे हैं इस फोन लेने के लिए, यहाँ से फिर से नवी मुंबई जा रहे हैं, क्योंकि नवी मुंबई में मेरे पहचान के आप लोगों को मालूम है खुमेल भाई, रिलायंस डिजिटल वाले, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। और दानिश को भी कुछ लेना है मम्मी के लिए गिफ्ट, तो वो भी ले लेगा। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं रिलायंस में, और यहाँ पर फोन आ चुका है गाइस। ये रहा फोन हमारा 15+ पिंक कलर में, बट इसका अभी तक बिलिंग नहीं हुआ है। जैसे इसका बिलिंग होगा फिर हम लोग उसको ओपन करेंगे, चेक करेंगे, मम्मी के लिए लेके जाएंगे, और वहां जाके इसको अच्छे से पैक करके हम लोग उसको मम्मी को देंगे। बहुत मस्त लग रहा है, माशाल्लाह मम्मी खुश हो जाएंगे एकदम। तो गाइस फाइनली फोन मिल चुका है हमें, तो अभी इसकी ओपनिंग करते हुए चेक करने के लिए, यहाँ पर तो ओपन करना ही पड़ेगा, वैसे घर जाए कुछ हुआ तो यहीं पर बता सकते ना। फौरन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, निकला एकदम और डेंट है। ये देखो नए फोन पे निकला है डेंट, अच्छा हुआ यहीं पर मैंने चेक कर लिया, इसीलिए बोलते हैं कि कभी भी गिफ्ट खरीदो तो ऑन द स्पॉट चेक कर लो। तो गाइस यहाँ पर जो फोन था उसमें डेंट है, तो वो हम लोग नहीं ले रहे। ऑब्वियस सी बात है हम नहीं लेंगे फोन में डेंट, क्योंकि पैसा जब पूरा दे रहे हैं, काम भी इंसान पूरा ही लेता है, मतलब फोन में फिनिशिंग चाहिए तो वो तो अच्छा है। खुमेल भाई है, उन्होंने बोले कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, मैं चलो तुमको दूसरी जगह से दिलवाता हूँ। तो अभी उनके साथ हम लोग जा रहे हैं बेलापुर, अब बेलापुर से जाके हम लोग फोन लेंगे, वहाँ भी फोन खोल के चेक करेंगे कि वो बराबर है या नहीं। चला उसमें भी डेंट हुआ तो फिर बाद में एक्सचेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर एक बार घर जाके गाइस ओपन होता और घर जाके मालूम पड़ता ना डेंट, तो फिर वो जाता रिप्लेस में, रिफर्बिश मिलता फिर मेरे को, समझे गाइस। ये क्या सामने सामने ओपन हुआ, सील फोन एक्टिवेट भी नहीं हुआ है, तो नया के नया ही मिलेगा, नसीब अच्छे अपने। अच्छा तो देखा, देख लिया मैं, मेरी नजर बहुत चील की नजर है, मैं कभी भी कोई भी चीज फटाक से देखता हूँ कहाँ पे क्या नुक्स है, क्योंकि अच्छाई तो उभर उभर के आती, नुक्स कभी कभी दिखते नहीं, तो इंसान नुक्स ढूंढना कभी भी। तो चलो चलते और देखते। फाइनली हम लोग आ गए, हमारे हाथ में आ गया है न्यू फोन, अभी इसको ओपन करके देखते हैं, आई होप इसमें कोई डेंट वगैरह ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिना कवर के तो यूज ही नहीं कर सकते इसको यार। वाह गाइस, पिंक कलर बहुत अच्छा लग रहा है, बट इसको बिना कवर के यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उंगलियों के ना फिंगरप्रिंट अभी से आ रहा है, मैं खाली हाथ रख रहा हूँ ना, ये देखो फिंगरप्रिंट आ जा रहा है, मतलब बहुत ज्यादा डेलिकेट है। ठीक है, अच्छा है माशाल्लाह, आई होप मम्मी को अच्छा लगे, मम्मी खुश हो जाए इससे। तो गाइस फाइनली हो गया सब कुछ, चलो चलते हैं घर और इसको डेकोरेट करते हैं ये गिफ्ट को, और फिर मम्मी को रिप्रेजेंट करते हैं, देखते हैं उनका रिएक्शन कैसा होता है। मम्मी का गिफ्ट लेके मैं बॉम्बे आ चुका हूँ, और मैं आ गया हूँ यहाँ पर निदा के साथ मम्मी का गिफ्ट हैम्पर बनाने के लिए, क्योंकि निदा घर पे नहीं आ पाएगी, तो निदा बोली कि मैं मम्मी के लिए हैम्पर बनाऊंगी, अच्छा सा तुम लेके जाना, मम्मी को रिप्रेजेंट कर देना। तो निदा देख रही है क्या क्या लेना है, सब क्या क्या है निदा, सब बॉक्सेस है और हैम्पर बनाने के लिए, वो अभी तुमको बता दूंगी तो तभी मजा नहीं आएगी, रुक जाओ। क्योंकि झूठी मेरे को बोलती है व्लॉग चालू करो, मैं दिखा दूंगी, बोलती मैं दिखाऊंगी नहीं, ये क्या बात हुई, जबरदस्ती मेरे को बेवकूफ, अच्छा मैं जबरदस्ती मेरे को बेवकूफ बनाई, चलो देखो क्या मिल रहा है। तो गाइस फाइनली हम लोग आए हैं हमारी फंक्शन की तैयारी करने के लिए, फंक्शन का सामान लेने। तो गाइस ये मुझे एक नया सामान मिला है निदा। हेलो, कुछ बोलना चाहोगे निदा? हेलो, आप आइए हमारे फंक्शन में, स्वागत है आप सभी का नियान की नोक झोंक भरी छोटी सी दुनिया में। चलो ले लो, ये ले लो, ले लो, मुंह घुसा के बात करना पड़ रहा है इसमें तो। नहीं मैं महंगा वाला लूंगी, टेंशन मत लो, सस्ता वाला लो। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने मम्मी के जो हैम्पर थे उसकी सारी शॉपिंग कर ली है, बट निदा ने उसके साथ बहुत सारी एक्स्ट्रा शॉपिंग भी की है गाइस, जो उसके गेम खिलवाने के वो सब के लिए पूरी गाड़ी भर गई है। ये देखो गाइस इधर पूरा भरा हुआ है, और गाइस हम लोग है ना गेम्स खेलने वाले हमारे फंक्शन में, जिसके अंदर हम लोग गिफ्ट भी रखने वाले है, तो बहुत मजा आने वाली है, सब कुछ ले लिए। तो अभी जाते हैं घर, थोड़ा डोसा खाएंगे यहाँ पर गाइस, बहुत ज्यादा भूख लग रही है इसको, मैं बोला डोसा खा, भाई डोसा नहीं खा रही है, और तुमने अगर मेरे में से मुंह मारे तो तुम्हारे मुंह को मारूंगा। मेरी तबीयत खराब है बिकॉज ऑफ, चल दो नहीं तो देता हूँ फटाके यहीं पर तुम्हारे को, चल दो, चल दो, तुम्हारी ड्यूटी का टाइम होगा नहीं तो 8 बजे का थंबनेल बनाओ, चलो फटाफट एकदम।
गाइस, बहुत बेरहमी करता है ये इंसान। चलो घर पे चलते और हैम्पर बना दे, मम्मी को पेस्ट कर दे। तकलिया। हम लोग आ चुके हैं निदा के घर पे और यहाँ पे हम लोगों ने पैकिंग स्टार्ट कर दी है। गाइस मैंने सबको यहाँ पे दिखाया, सबको अच्छा लगा, पिंक कलर का फोन अच्छा है ना अंकल, सबको पिंक कलर का फोन अच्छा लगा। आंटी खाना बना रहे हम लोग के लिए गाइस। तो गाइस चलो अभी यहाँ पर हम लोग डेकोरेशन का काम चालू करते हैं, तो धीरे धीरे आप लोगों को बता दे कि हम लोग कैसा कस्टमाइज करते हैं। और गाइस पर्सनल ऑर्डर्स अगर देना हो तो आपको प्लीज कांटेक्ट निदा ऑन हर जीमेल। पैसे कितने लगेंगे वो बताएंगे ना निदा बाद में। तो गाइस निदा देखो कैसा डेकोरेशन करी, पहले फोन नीचे छुपा दी इसने और फिर अभी यहाँ पर क्या कर रहे हो निदा तुम? ये मैं चॉकलेट से पूरा फोन को कवर कर रहे हो। उनको बताएंगे अपन ऐसा कि हम लोगों ने कुछ गिफ्ट लिए और हमें वहाँ सवाल पूछेंगे, बताओ मेलोडी चॉकलेट की होती है। रुको खा के बता। फाइनली गाइस ये रेडी हो चुका है। गाइस ये देखो, ये हमारे नए टेलर आए घर में। ओ मास्टर, अरे ये मास्टर, ये मास्टर को टेबल की जरूरत नहीं है, टेबल बना बना के आ गया। अरे बस मास्टर खराब, अरे यार ये क्या खराब कर दिया असलम भाई तुम यार। हमारा काम पहुंचा है यहाँ पे, ये सब के बीच में आंटी बोले कि पहले तुम लोग खाना खा लो, बोले खाना खाने के बाद काम कंटिन्यू करो। तो सही बात है, सही बात है अंकल। अभी फटाफट पहले खाना खाते नहीं, चलो रख दो अभी, पहले खाना खा लो, आ जाओ। अच्छा लग रहा है? हाँ मस्त लग रहा है, अभी आगे और करेंगे ना मजा आएगी। हाँ 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 गाइस गरम गरम पुलाव निकला है, मजा आ जाएगा। अरे यार नीता अचार लाना चाहिए अपने को पाकिस्तान वाला, है ना मजा आती थी ना। फाइनली हम लोगों ने खाना खा चुके हैं और नीता बैक टू वर्क हो चुकी है फिर से। यहाँ पर कहाँ पहुंचा अपना काम बेटा? माशाल्लाह गाइस अंदर डाल चुके हैं और लाइट लग चुकी है, बट अभी लाइट वो बाद में ओपन करके दिखाऊंगी। ठीक है। तो गाइस मम्मी भी मेरी हेल्प करने लग गए। कितना अच्छा बना रहे देखो। मेरे को मालूम है निदा, मैं तुम लोग के घर पे भरोसा कर सकता हूँ कुछ अच्छा होएगा। हाँ। मेरे पे तो कोई जिंदगी में भरोसा नहीं करना भाई, पहले बता रहा हूँ मैं। मेरे को कोई बोलेगा ना ये बना के दो भाई, बाहर से बनवा लो लेकिन मेरे से नहीं बनवाना। हाँ। तो गाइस फाइनली थोड़ा रेडी हो चुका है, 75% अब बचा है, खाली 25% मस्त बना आंटी और निदा की मेहनत ये गाइस माशाल्लाह। पूरा रेडी हो चुका है, वाह। अब इसके अंदर गाइस ये वाला केक आएगा, तो वहाँ जब केक जाएगा तब ये मस्त प्रॉपर सेट हो जाएगा। चलो निदा चलते हैं फटाफट अभी। ओके मैं गाड़ी लेके निकल चुका हूँ मम्मी को लेने के लिए। सबसे पहले हम लोग निदा को लेंगे, निदा क्योंकि गिफ्ट लेके आएगी गाड़ी में। हम लोग सोचे इस बार के घर पर डेकोरेशन नहीं करते, क्योंकि हर बार हर कोई घर पर डेकोरेशन कर रहा है, हम लोग भी इतने साल से घर पर डेकोरेशन कर रहे हैं, नौशीन भी घर पर डेकोरेशन कर रही है, इसकी मम्मी की बर्थडे में भी हम लोग घर पर डेकोरेशन कर। इस बार हमने सोचे कुछ नया करते, हम लोग हैम्पर बनाते हैं और हैम्पर में सरप्राइज रखते हैं। तो एटलीस्ट जब इंसान हैम्पर खोलेगा पूरा अनबॉक्स करेगा तो उसको दिखेगा अंदर के क्या क्या है, और जब वो मेन सरप्राइज बाहर आएगा तब कितना खुश होगा इंसान गाइस, आप सोच भी नहीं सकते हो। तो बस अभी वेट है मम्मी के इंतजार का, जब मम्मी देखेंगे तो उस चीज की एक्साइटमेंट का, उससे ज्यादा एक्साइटमेंट है कि निदा फटाफट अल्लाह कर अच्छे से नीचे आ जाए वो लेके, और वो लाइट जो जल रही हो बराबर जले एंड टाइम पे। जब अभी कभी होता है ऐसा गाइस कि लाइट वगैरह बंद हो जाती है बैटरी की वजह से, ये वो कुछ नहीं हो सकता, कुछ कर भी नहीं सकते। तो निदा का वेट करते, निदा आएगी तो चलते हैं मम्मी को लेने और फिर देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होता है। तो गाइस अभी हम लोग का फाइनली सब कुछ हो चुका है और सुफियान कार लेकर आ गए हैं नीचे, तो मुझे बोले एक और हैम्पर लेकर आने। तो हमारे जो डड्डू है वो मेरी हेल्प कर रहे हैं, थैंक यू डड्डू, माय प्लेजर। तो जल्दी जल्दी नीचे जाते हैं, फिर सुफियान को बुलाते हैं। वहाँ पे वन वे है और गाड़ी घुसा दे, और यहाँ पे निदा आ रही देखो कैसा भागते हुए, और अंकल पीछे उसका वो लेके आ रहे। आ गई हमारी बेगम साहिबा फाइनली कार में। तो निदा तुमको क्या लगता है मम्मी का क्या रिएक्शन होगा? आई डोंट नो, आई एम सो एक्साइटेड टू सी हर रिएक्शन, एक्चुअली गूज़बम्स आ रहे हैं मेरे को। तो अभी कहाँ लेके जाएंगे मम्मी को? वॉफल खाने जाएंगे? देखो उनको पाव भाजी भी बहुत पसंद है, पाव भाजी खाने जाएंगे। बंद हो गए रहेंगे, पूछ लेंगे उनको जो उनका मन करेगा उनको वहाँ लेके जाएंगे। मम्मी को बताएंगे नहीं अभी, पहले अपन खाने लेके जाएंगे, खावा लेंगे, तो उसके बाद में जब मम्मी कार में बैठने वाले रहेंगे तो मैं क्या करूंगा बाहर जाके ना पूरा सेट करके रख दूंगा अंदर निकलने के पहला। तुम करोगे सेट? मतलब सेट क्या करना है, खाली केक ही तो रखना है उसके अंदर और लाइट जलाना है बस। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। अरे बाप रे बाप, क्या ग्लो आ रहा है। घर पे फेशियल करा रहे, घर पे कलर वलर करा रहे बालों में। हाँ। पता नहीं मैडोना किसको दिखा रहे, इतना तैयार हो गया भाई। फंक्शन है ना तो इसलिए बोलो, दादी तो लगना चाहिए था अच्छी टुक। सही बात है, सही बात है, ग्लो ज्यादा बच्ची भी जल्दी ग्लो आएगा। हाँ इंशाल्लाह। क्या खाओगे अम्मी बोलो? मैं खाना खा ली भाई, अब्बा ले गए थे। खाना खा ली है, कहाँ गए थे तुम लोग? डेट पे गए थे क्या? खाना खिलाने ले गए। अरे बाबा रे बाबा, ये क्या चांद निकला भाई आज अमावस का। तो अभी आपको क्या खाना है, मतलब कुछ मीठा? हाँ ठंडा आइसक्रीम, आइसक्रीम बोलते ये सारी मम्मी लोग का है। अच्छा इंस्टाग्राम बोलो अम्मी, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम नहीं इंस्टाग्राम। अरे वो बराबर ही, पहले इंस्टाग्राम बोलते हो, इंस्टाग्राम
चलो डी आइसक्रीम खा लेते हैं। चलो आइसक्रीम खाते हैं। कौन सी आइसक्रीम देख रहे हो मम्मी? रोज जैसी। रोज जैसी तो आइसक्रीम नहीं है, तुमको क्या चाहिए? नो आइसक्रीम। तुम क्या वॉफल खाओगे? नहीं, देखती हूँ मैं भी, मैं खाना खाई हूँ। चलो ठीक है, मैं भी सोच रहा हूँ आइसक्रीम खाऊ नहीं खाऊ, मैं भी खा ही लेता हूँ कोई तो अच्छी चॉकलेट वाली। कौन सी? बिग बैंग भाई, चखाओ जरा कौन सी हो। चलो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो अम्मी हो गई पार्टिया, पार्टी हो गई अम्मी। चलो हैप्पी बर्थडे। मेरे को नीचे रोज नहीं खाता मैं, ओनली चॉकलेट लवर। यही है तुम्हारी बर्थडे ट्रीट, तुम खाना खा लियो वरना तुमको खाना खिलाने लेके जाएंगे। लेकिन जब तक मैं फोन करता तब तक लोग खाने चले गए थे ऑलरेडी, समझे? अभी हम लोग ने सोचे कि अब बर्थडे मनेगी तो सिर्फ बच्चों की बर्थडे मनेगी, बड़ों की बर्थडे नहीं मनेगी। बड़ों की बर्थडे पे आइसक्रीम खिलाओ। हाँ बच्चा आया नहीं, एक आया एक बच्चा है। चलो गाइस फाइनली निदा की ब्राउनी भी आ गई है। तो गाइस मम्मी और निदा अंदर आइसक्रीम खा रहे हैं, मैं मौके का फायदा उठा के बाहर आ गया हूँ और इसको मैं अभी सेटअप कर देता हूँ बीच की सीट पर जब जहाँ पर मम्मी बैठेंगे। गाइस ये रहा केक, केक पिघल रहा है माँ कसम, इसको रख देते हैं अंदर। ओ शिट गाइस, मेरे से बर्थडे का टैग टूट गया। ओ माय गॉड, अब क्या करूँ? गाइस देखो माशाल्लाह कितना प्यारा दिख रहा है ये, वाओ। हैप्पी बर्थडे का हैप्पी टूट गया है और ये पूरा सेटअप हो गया। तो गाइस आ रहे हैं मम्मी लोग, चालू कर दो लाइट्स। चलो कैसी लगी आइसक्रीम? अच्छी थी? सस्ते में पटाना ही पड़ेगा ना, क्या करेंगे अभी। बैठ जाओ, चलो वहां से आ जाओ। ओह हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो अंदर बैठ के काटते आ जाओ। तो गाइस मम्मी कुछ कहना चाहते हैं हमारे उनकी बर्थडे पे तो कही है। नौशीन के अंदर कमेंट्स आ रहे हैं कि तुम्हारी बहू क्यों नहीं आ रही है, तुम्हारे घर में कुछ लफड़े चालू है। अरे तुम लोगों को क्या करना है, हमारे घर में लफड़े चालू है, झगड़े चालू है, तुमको क्या देखने आते हो तुम्हारे घर में क्या है? वो प्रेग्नेंट है, बोले भी 40 दिन तक वो घर में नहीं आ सकती। बोलते निदा क्यों नहीं आ रही है, निदा को क्या हुआ, निदा को तकलीफ है, सास से तकलीफ है, ननन से तकलीफ है, किसी को तकलीफ नहीं है। अभी तक हम लोग बर्थडे बनाने के लिए बाहर आना पड़ा, तुम लोग हैं, तुम लोग के सब काले कर दूते, तुम बंद करो। चलो ठीक है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। स्ट्रॉबेरी वाला फुल स्ट्रॉबेरी भरा हुआ। हैप्पी बर्थडे डियर अम्मी, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू। भाई स्ट्रॉबेरी की यार मजा आ गई। ये तो मम्मी कैसा लगा तुमको हमारा सरप्राइज? यस बट अभी तक खत्म नहीं हुई तुम्हारी बर्थडे, तो निदा भोकी ए मैम बोलिए। इसके अंदर आपका छोटी सा गिफ्ट, छोटा सा गिफ्ट लाया हम लोगों ने आपके लिए। यस ये गिफ्ट है, खराब हो जाएगा? नहीं खराब होएगा। ये अरे पूरा डब्बा है, पूरा डब्बा निकालो, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, जो तुम्हारी पसंद की चीज है वो आराम से। ये और ये चॉकलेट ही चॉकलेट है, चिटकी भी है क्या? निकालो किसमी। हाँ मैंने ली, समझे गाइस, इसके लिए ली। मेलोडी खाओ खुश हो जाओ। मैं सोच रहा था कि मैं तुमसे सवाल पूछूंगा, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों होती है? मेलोडी है चॉकलेटी, ज्यादा है। निकालो सब चॉकलेट, निकालो, डाल दो ना उसके अंदर। अरे चॉकलेट के अंदर भी चॉकलेट है, बहुत सारी अलग अलग टाइप की चॉकलेट है। इसके अंदर एक बड़ी चॉकलेट है। चलो निकाल दो, प्लास्टिक निकाल दो वाला ना। और ये सरप्राइज, और ये सरप्राइज। अरे गिरेगा अम्मी आराम से, आराम से। हैप्पी बर्थडे टू, यहाँ से निकालो। नौशीन को बोला था मैंने, हैप्पी बर्थडे टू यू, आईफोन 15 प्लस। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। खोलो खोलो फोन खोलो। इसने ना क्या किया पता है आपको, पूरा फोन भी ट्रांसफर कर दिया इसने। फोन, अरे फोन खोलो तो, फोन खोलो तो पहले। ओ मम्मी का पासवर्ड भी सेम है, सब कुछ हो गया, तुमको खाली फोन लेके यूज करना है।
सब चालू है अभी, डाउ भी सब इसमें चालू करूंगा व्हाट्सएप वगैरह, अभी तुम्हारी गैलरी का यहाँ देखो तुम्हारी फोटोज भी सब, तुम्हारा पूरा का पूरा फोन मैंने ट्रांसफर कर दूंगा, मालूम भी नहीं पड़ा, यही तो दिमाग है हमारे पास। मतलब फोन से ज्यादा मेरे को फोटो मतलब और तेजी होती सब लड़कियां, मेरा फोन मिला तो मेरे को बहुत टेंशन हो गया, मैंने गिरा मेरे फोटो उठ चली गई, नवीन निकाल दो बोले यार पहले की फोटो काम कर रहा है। थैंक यू, यू आर वेलकम। पिंक कलर तुमको पसंद था ना, तुम्हारा कवर भी घर पे, टेंशन मत लो, अच्छा लगा गिफ्ट, चलो रखो यूज करो, अभी घर जाके करोगे, अब्बा को बता चुका हूँ, अब्बा को भी मालूम है, दानिश को भी मालूम है, नौशिन को भी मालूम है, और मम्मी जब मैं नया फोन लिया ना तो वहाँ पर खुला उस पर डेंट था, फिर क्या बदली करके दिए मेरे को अपना पहचान वाले ना खुमेल भाई रिलायंस में, उन्होंने बदली करके नया दिया, चाइना का दिया था क्या, नया दिया उन्होंने। चलो तो गाइस मम्मी व्लॉग के सामने रो नहीं रहे थे, बोला मम्मी चलो व्लॉग चलो, तुम रो रहे, मैं व्लॉग चालू करता, बोले नहीं नहीं मत ले मत ले, तो आखिर में मैंने चालू कर ही दिया, पीछे देखो क्या कर रहा है। अरे अरे इतना इमोशनल होने की क्या जरूरत है मम्मी तुमको, उन्होंने पहली बार मेरे को उन्होंने गिफ्ट दिए ना ये आईफोन, पहली बार पहली देखे फजी तक कर दी इज्जत के पटाखे, आईफोन ऐसे क्या हर चीज हर हर टाइम अपग्रेड किए, अभी आईफोन दिए, अभी सुफियान फिर क्या देने वाले बच्चा, फिर बच्चा दूंगा सीधा मैं, बस बच्चे का तुम्हारा अरबों की नेमत मिलेगी, बच्चे का गिफ्ट आखिरी गिफ्ट रहेगा, फिर कोई मेरे को बोलना नहीं मैं सबसे बड़ा गिफ्ट नहीं दिया। इंशाल्लाह आएगी ना तो बर्थडे मतलब बच्चों की आएगी, बस अभी मेरी बर्थडे भी उम्र हो गई है, बर्थडे की उम्र गई, अब बच्चों की आएगी, मेरे छोटे छोटे बच्चों की आएगी, नौ लोग की आएगी, थैंक यू सो मच तुम लोग, क्या जरूरत है, कोई बात नहीं, पैसा ट्रांसफर कर देना तुम बस, जाओ जाओ पीछे हक करो, अभी अभी उतर के हक करो, जाओ केक दबा देगा, सो क्यूट, जाओ संभाल के, हाँ। तो तुम भी पीछे जाओ, जिन्हें पीछे बैठा आगे कोई नहीं बैठेगा, काश मैं आप नीचे, तुम इतने बड़े झमोड़े बैठे हो, चलो जल्दी जल्दी मम्मी को सब अपना सामान पैक करके दो, चलो अम्मी अल्लाह हाफिज एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच। तो गाइस फाइनली मम्मी की बर्थडे हो चुकी है और मैं आ गया हूँ घर पे, तो व्लॉग को इसी के साथ मैं यहीं पर एंड करते हैं, आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा, मम्मी को तो फोन बहुत अच्छा लगा, मम्मी इमोशनल भी हो गए व्लॉग के पीछे, मम्मी ने बहुत सारी बातें बोले बट वो व्लॉग में हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाए, तो चलो व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, और आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना गाइस, लव यू, अल्लाह हाफिज़।